हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। वेलकम टू द ड्रीम जोन क्लासेस। इस सीरीज़ में आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 4, जिसमें कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो फर्स्ट आज हमारे कैसे क्या सेशन रहेगा देख लेते हैं। क्वेश्चंस रहेंगे प्रीवियस क्लासेस से, सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में जानेंगे, उसकी कुछ डेफिनेशंस रहेंगी और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपके क्वेश्चंस रहेंगे। ओके, तो प्रीवियस क्लास से कुछ क्वेश्चन हैं उनको देख लेते हैं। आपको जो की हमने प्रीवियस क्लास में आपको प्रिंटर और कीबोर्ड के बारे में बताया था, प्रिंटर के बारे में मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें बता दी थी। उसमें यही पूछ लेते हैं इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, नॉन इम्पैक्ट कौन सा होता है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक बेसिक जो थी वो मैंने आपको बता दी। अब कीबोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था, लेकिन मैंने सोचा एज अ क्वेश्चन आपको ये चीज़ समझा दूँ कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। होम की जो होता है, होम की क्या करता है, किसी भी लाइन की कोई टेक्स्ट लिखा हो उसकी स्टार्टिंग में कर्सर को ले आता है, ये होम की का काम होता है। नेक्स्ट है हमारा एंड की। एंड की क्या करता है, किसी भी लाइन के लास्ट में उस कर्सर को लेके आ जाता है। स्कैप की क्या करता है, किसी भी कोई प्रोग्राम खुला हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, उसको क्लोज या ओपन करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, हाउ मेनी फंक्शन की इन द कीबोर्ड। कल हमने पढ़ाया था फंक्शन की हमारी 12 होती है, F1 से लेके F12 तक, जो स्पेशल काम करती है। पेज अप एंड पेज डाउन क्या करता है, कोई भी आपका डॉक्यूमेंटेड विंडो है उसमें पेज, कई सारे पेजेस होते हैं, उनको अप और डाउन करने के लिए पेज अप और पेज डाउन की का इस्तेमाल किया जाता है, लाइक MS वर्ड में क्या आता है। शिफ्ट की क्या होता है, ये स्पेशल शॉर्टकट कीज के लिए काम करता है, और आपका कभी कभी जो लेटर्स होते हैं वो स्मॉल में हो रहे होते हैं, और टाइपिंग के ड्यूरेशन में आपको क्या चाहिए होता है कि आपका कोई लेटर कैपिटल हो जाए, तो आप क्या करोगे, शिफ्ट प्रेस करोगे, देन उस लेटर को प्रेस करोगे तो वो लेटर क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, और फर्दर आपकी टाइपिंग वैसी ही चलती रहेगी। उसके बाद कंट्रोल की का क्या इस्तेमाल होता है, कोई स्पेशल आपका कोई शॉर्टकट की के लिए, और कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को एक साथ कई सारी चीज़ें सेलेक्ट करनी होती है, तो इस वजह से हम लोग कंट्रोल की हेल्प से मल्टीपल आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटर की। एंटर की का मतलब अगर कोई भी कार्य आपका एग्जीक्यूटेबल टाइम पे रखा हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग एंटर की का इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंटर की का इस्तेमाल किसी लाइन जैसे कुछ हम लोग लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, तो लाइन चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्स लॉक की का इस्तेमाल क्या होता है कि आप कभी कोई टेक्स्ट बना रहे हैं, आपको पूरा का पूरा आपको क्या चाहिए, कैपिटल लेटर चाहिए, तो कैप्स लॉक ओपन कर देंगे तो जो भी आप लिखने वाले हो अपने डॉक्यूमेंट पे वो सब कैसा आएगा, कैपिटल में आएगा। ओके, तो कैप्स लॉक एक बार दबाएंगे और पूरा आपका डॉक्यूमेंट कैसा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। नेक्स्ट अब आपका है विंडो की। विंडो की क्या करता है, जैसे आप अपने सिस्टम का भी खोलोगे तो साइड में छोटी सी विंडो बनी रहती है जिसको हम लोग स्टार्ट के नाम से, स्टार्ट मेन्यू के नाम से जानते हैं, तो विंडो की जब आती क्या होता है, वो स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है जिससे कि कंप्यूटर के किसी भी सॉफ्टवेयर को हम लोग वहाँ से सर्च कर सकते हैं, या कंप्यूटर का एक टाइप का वो सर्च इंजन हो जाता है, सर्च इंजन टाइप्स हो जाता है, जिसपे आके हम कंप्यूटर की जो भी कंप्यूटर में डेटा सेव है वो सारा हम लोग सर्च कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारी है PRTSCR, ये प्रिंट स्क्रीन की होती है। इससे क्या करते हैं, हम लैपटॉप या PC में स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन शॉट लेना मैं आपको एक बार बता दूंगी, इसको थोड़ा सा प्रोसेस होता है उसका। बैक स्पेस की का इस्तेमाल होता है किसी भी शब्दों को पीछे इरेज करना, मतलब लेफ्ट टू राइट इरेज कर रहे हैं तो बैक स्पेस की होगी, और राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं तो वो क्या होगा हमारा, डिलीट की होगी। क्वेश्चन बहुत बनता है पेपर। ये 13 जो पॉइंट्स लिखे हैं कीबोर्ड से रिलेटेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम आता है तो क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको एक बार लिख के अच्छे से याद कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आज का है सॉफ्टवेयर, जिसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर हमारा दो पार्ट से डिवाइडेड होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी हमारे क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूटिलिटीज होता है, डिवाइस ड्राइवर होता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी कई सारे प्रकार होते हैं। आगे चल के एक एक करके इनकी डेफिनेशंस को हम लोग समझेंगे। तो हम लोग चलो डिटेल में समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर है क्या एक्चुअली। तो आप लोग सामने देख रहे हैं, कुछ हमने एक एडिशन लिया है, सब्ट्रैक्शन लिया है, डिवाइड लिया है, मल्टीपल लिया है। इसमें क्या है, ये जो आपको दिख रहा है इंट करके, इंट मतलब क्या है यहाँ पे, इंस्ट्रक्शंस। एक इंस्ट्रक्शन क्या है, कोई भी ऐड करने के लिए आपको एटलीस्ट दो नंबर तो चाहिए ही होंगे। तो हमने एक क्या ले लिया, एक इंस्ट्रक्शन ले लिया एक नंबर, दूसरा इंस्ट्रक्शन ले लिया दूसरा नंबर, तीसरा इंस्ट्रक्शन ले लिया हम लोगों ने क्या, प्लस का सिंबल, और चौथा क्या होगा हमारे पास जो रिजल्ट आएगा, मतलब 2+2 किया तो क्या रिजल्ट आया, 4 रिजल्ट आया, एक हमारा ये जो काम। इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक प्रोग्राम बनता है। P1 को हम लोग प्रोग्राम से डिनोट कर रहे हैं, चलो एक हमारा प्रोग्राम बन गया। ओके,
तो नेक्स्ट हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट में भी हम लोग को एटलीस्ट दो दो नंबर चाहिए। एक इंस्ट्रक्शन हो गया, दो इंस्ट्रक्शन हो गया, तीन हो गया, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस जब मिले तो क्या बन गया, वो एक प्रोग्राम बन गया जो क्या है, सब्ट्रैक्शन नाम का है। नेक्स्ट हम लोगों ने क्या है, डिवाइड में भी हम लोग को ये प्रोसेस करनी पड़ रही है, एक दो तीन चार, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस, और लास्ट में क्या है, वो हम लोग का प्रोग्राम बन गया। सेम ऐसे हम लोग को काम करने पड़ रहे हैं। अब जब ये P1, P2 और P3 और P4, मतलब चारों प्रोग्रामों को जब हम लोग साथ में मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर बन जाएगा। तो हम लोग का सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं हम लोग प्रोग्राम, और सेट ऑफ प्रोग्राम्स को कहते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब N1, IN1, IN2, IN3, IN4 = क्या है, एक प्रोग्राम है। P1, P2, P3 इन सबको ऐड करके क्या बना, एक सॉफ्टवेयर बना। ओके, सिंपल सी आप ये समझ सकते हो। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन। तो पहला हमारा क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे हैं जो सिस्टम को नियंत्रित और व्यवस्थित रखने के लिए काम आते हैं, मतलब सिस्टम को चलाने के लिए इस्तेमाल होने वाले सॉफ्टवेयर सारे क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कई प्रकार के होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया, लिंकर हो गया, लोडर हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हम लोग एक एक करके इनके बारे में जान लेंगे। फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ये यूज़र और हार्डवेयर के मध्य क्या करता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। जब यूज़र हार्डवेयर को चलाना चाह रहा होगा तो उसके पहले ज़रूरी है कि किसी भी सिस्टम में उसका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, लाइक विंडोज़ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंपाइलर है। कंपाइलर क्या करता है, एज ट्रांसलेटर काम करता है। ट्रांसलेटर का मतलब, अगर हमें हिंदी आती है तो, अगर हमें हिंदी आती है दूसरे को इंग्लिश आती है, तो क्या करेगा, उसकी हिंदी हमें इंग्लिश में समझाएगा और उस हमारी इंग्लिश उसे हिंदी में समझाएगा। सेम कंप्यूटर क्या होता है, बाइनरी भाषा समझता है। अब हमें तो समझ नहीं आती बाइनरी, ना कंप्यूटर को हमारी भाषा समझ में आती, इसलिए कंप्यूटर में क्या होता है, कंपाइलर होता है, जो क्या करता है, हमारी हाई लेवल भाषा को उसकी लो लेवल भाषा में समझाता है और उसकी लो लेवल भाषा को हमारी हाई लेवल भाषा में समझाता है। लो लेवल भाषा का मतलब होता है बाइनरी लैंग्वेज, मतलब कि 0 और 1 कोड। नेक्स्ट है इंटरप्रेटर। कंपाइलर इंटरप्रेटर सेम है, बस इसमें क्या होता है, ये लाइन बाई लाइन प्रोसेस करता है, बारी बारी से मशीन लैंग्वेज में बदलता है और ये इकट्ठा बदल देता है, यही हमारी इसकी डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारा क्या, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज करता है। ओके, जो असेंबली लेवल लैंग्वेज होती है उन्हें मिनोमिक्स कोड का इस्तेमाल होता है, ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा था मिनोमिक्स कोड करके। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अपने सिस्टम को जो भी सॉफ्टवेयर सुरक्षा प्रदान करते हैं उन सभी सॉफ्टवेयर को हम लोग कहते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये क्या करते हैं, सिस्टम को रिपेयर कर उनकी कार्य क्षमता को भी बढ़ा देते हैं। जैसे कि इसमें कई सारे आ गए, डिस्क फ्रेगमेंटर आ गया, स्कैन डिस्क आ गया, डिस्क क्लीनअप आ गया, एंटीवायरस आ गया, डिस्क चेकर आ गया, सिस्टम प्रोफाइलर आ गया और वायरस स्कैनर आ गया। इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से हमारा सिस्टम एकदम बढ़िया, एकदम बिंदास चलता रहता है, बिना रुके बिना कुछ हुए एकदम मस्त चलता रहता है। आप सिस्टम जब भी खरीदें तो अपने सिस्टम में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जरूर डलवाएं। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं, इसके बिना तो हम कंप्यूटर को यूज़ ही नहीं कर सकते। मतलब हमारे इस्तेमाल के लिए जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर भैया आपसे कोई पूछ रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, तो आप सीधा बोल दोगे कि जो हमारे इस्तेमाल के सॉफ्टवेयर है वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब यूजर जिसमें काम कर पा रहा है तो वो क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक, ये सारे हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। ये शॉर्टकट कीज हैं जो आपको याद करनी है। ओके, नेक्स्ट हमारे ये क्वेश्चन हैं आपको, जो आपको होमवर्क में करने हैं। भैया देखो, क्वेश्चन रोज करने हैं, अगर आप छोड़ रहे हो क्वेश्चन, काम नहीं कर रहे हो, मतलब आप लापरवाही कर रहे हो, ठीक है। तो आपको पर डे क्वेश्चंस करने हैं, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालने हैं, जिससे कि मुझे पता चले कि आप पर डे पढ़ रहे हो। और ओके, और लाइक करना है हमारे वीडियो को भी, ठीक है। थैंक यू फॉर द क्लास, डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। और मैं रोज़ आपको यही बोलती हूँ कि कोई मेरे लिए कोई सजेशन हो तो आप बता सकते हो, जिससे कि मैं अपने चैनल को और ज़्यादा क्रिएटिव बना सकूँ, क्लासेस में और कंटेंट डाल सकूँ, क्या कमी हो रही है आप वो बता सकते हो, सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करा सकती हूँ। ओके, एंड थैंक यू फॉर द क्लास, डू बेस्ट ऑफ लक फॉर। और भैया, कोरोना वायरस बहुत फैल रहा है, तो प्लीज़ घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कहीं आना जाना नहीं है, हैंड वॉश कीजिए, बहुत ज़रूरी है अपना ख्याल रखना और अपने घर वालों का ख्याल रखना। कहीं बाहर बिल्कुल मत जाइए, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी है तभी सोचिए, और तब भी 10 बार सोचो कि हमें, अगर हम बाहर जा रहे हैं तो हमारी घर वाले भी खतरे में। तो प्लीज़ स्टे एट होम, स्टे सेफ और पढ़ाई करती रहिए, ठीक है। Thank you for the class.